हेलो, आज हम बनाएंगे सत्तू पूरी। सत्तू पूरी बनाने के लिए हमने सत्तू ले लिया है और हमने अदरक लहसुन हरा मिर्च नींबू धनिया पत्ता और प्याज ले लिए हैं। तो इसको हमने बारीक बारीक से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने सब कुछ को बारीक से कट कर लिया है। लहसुन हरा मिर्च धनिया नींबू अदरक, हमने ना अदरक को कद्दूकस करके लिया है। और ये ना हमने ना थोड़े से अजवाइन लिए हैं। और ये अचार के मसाले हैं जो हम घर में अचार बनाते हैं ना, तो उसके मसाले हमने थोड़े से निकाल के ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सत्तू में मिक्स करेंगे। तो सत्तू में हम नमक, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और हमने जितने भी सामग्री काट के रखे थे वो सारी हमें इसमें मिला देना है। यहाँ पर हम लास्ट में पानी भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ऐड करके इसे अच्छे से मिलाएंगे। और सबसे लास्ट में हमें इसमें जो हमारे घर के बने हुए अचार होते हैं ना, उसके थोड़े से मैंने तेल लिए हैं और तेल इसमें डाल के ना अच्छे से मिला के इसको 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। कितना अच्छा दरदरा सा दिख रहा है। तो इसे हमने रेस्ट पे रख दिया है और हम चलते हैं तब तक अपने बैंगन का भरता बना लेते हैं। ये ना सत्तू पूरी के साथ बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो हमने बैंगन का भरता भी बना लिया है। अब ना हम आटा का डो लगा लिए हैं। तो देखिए जैसे रोटी का नॉर्मल डो होता है ना, हमने उसी तरह से डो लगा के तैयार कर लिया है। इसे ना हम छोटी छोटी लोइयाँ काट के और इसे गोल करके ना इसमें अच्छे से सत्तू हम भर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से करके ना इसमें इसी तरह से हमें सारे पूड़ियों में ना सत्तू अच्छे से भर लेने हैं। तो हमें ना ज़्यादा भी दबा दबा के नहीं भरने हैं। देखिए हमने इस तरह से ना भर लिया है सत्तू। देखिए हमने सारे भर के रख लिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे बेल के ना तैयार कर लेंगे और फिर इसे हम छानेंगे। नहीं, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए हमारा तेल गर्म है, अब हम इसे छानेंगे। करने से पहले ये ध्यान रहे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो, तो हमें इसे अच्छे से उलट उलट करके तलना है। देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छे से फूल रही है। ये ना खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। हमें ना सारे पूरियों को इसी तरह से तलना है। आप इसमें ना तेल कम या ज़्यादा रख सकते हैं, हमने बहुत कम ही तेल रखा है। देखिए हमने सारी पूरियों को ना इसी तरह से तल के निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने अच्छे फूले फूले और कितने सॉफ्ट हैं। ये ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार से ना ज़रूर से ऐसे करके बना के ज़रूर से खाएं। देखिए अब हम थाली लगा के रख लिए हैं। तो बताइए आपको हमारी सत्तू पूरी और बैंगन का भरता कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।